हेलो एवरीवन, अहमदनगर स्ट्रीट फूड सीरीज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ जस्ट। यहाँ पर मैं ऐसी बहुत सारी जगहों को कवर करूंगा जो काफी नामी गिरामी है और कुछ ऐसी दुकानें जिनके बारे में मुझे यहाँ लोकल लोगों से पता चला है। इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे 10 से ज्यादा ऐसी जगह जहाँ पर आप जाकर बहुत सारी चीजों को खा सकते हैं। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूँ नदीम। लेट्स स्टार्ट। अहमदनगर, जिसे नगर नाम से भी जाना जाता है, ये पुणे शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं ट्रेन से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्ट्रीट फूड टूर की सबसे पहली जगह से, जिसका नाम है कैलाश उदुपी। तो सबसे पहली जगह जहाँ हम आए हैं उसका नाम है कैलाश उदुपी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अहमदनगर में, बहुत ही जानी मानी जगहों में से एक है। अहमदनगर को नगर भी कहा जाता है, तो मैं आगे भी वही नाम यूज़ करूँगा, तो आपको अभी से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इनकी जो भी फेमस चीज़ें हैं सबको ऑर्डर किया है। ये है सबसे ज़्यादा यूनिक, जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा आई कैन गारंटी, ये है काजू पैटीज। अभी से काजू पैटीज क्यों बोलते हैं वो तो खा के ही पता चलेगा। इसके अलावा लिया है दही बड़ा, देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम दही में डुबो कर इन्होंने इसे दिया हुआ है और दही भी काफ़ी इनकी जो है ठीक है। ये काला जामुन है, जिसे आप एक तरीके से गुलाब जामुन ही कह सकते हैं। ये यहाँ का लोकली प्रोड्यूस्ड खोआ से बना हुआ होता है। काला सोना इसे क्यों कहा जाता है वो तो दिख ही रहा है इसको देख के, इतना बड़ा साइज है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। उसके अलावा हमारे पास जो सांभर वड़ा, आप कह सकते हैं जो वड़ा पाव का वड़ा होता है उसी सांभर में डाल के दिया जाता है, और पाव, पाव तो ज़रूरी है महाराष्ट्र में आप कहीं भी जाएंगे तो। शुरुआत करते हैं इस पैटीज से, काजू पैटीज। ये सबसे यूनिक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी ट्राई करी है, पहला ही जगह है और पहला ही सबसे आइटम यूनिक है। तो इसे काजू पैटीज कहा जाता है, बट जो काजू है ना वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको मिल जाए। जैसे अंकल ने, मैंने उससे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसका जो पेस्ट होता है उसे यूज़ किया जाता है, उसका जो एसेंस है, फ्लेवर है, वो इसमें होता है। इसे ये दही के साथ सर्व करते हैं, तो अगर आप इसे खाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा ये रिच लगेगी खाने में, और उपवास वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये रहा ना काजू का पीस, इसीलिए इसे काजू पैटीज कहा जाता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो आलू की होती है, तय काजू पूरा खड़ा वो रहता है। शेंगदाना मिर्च इसका एक मिक्सचर बना के फिलिंग की जाती है और फिर इसे फ्राई किया जाता है। ये अगर आप अहमदनगर आ रहे हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना ही करना है। आप भले कुछ ना खाइए पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो एक पैटीज़ में 2 काजू आ चुके हैं, एक मैंने खाया तब आया था, आधी अभी बची हुई है। जेवा ने खाया तो जेवा को भी काजू बराबर खाने मिला। सो लिटरली इट जस्टिफाइज विद इट्स नेम, काजू पैटीज़। अब दही वड़ा ट्राई करते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ का दही वड़ा दही में डुबो करके परोसा गया है। ठंडा है, इसे फ्रिज में रखा गया था जैसे दही वड़ा को रखते हैं। इसमें आपको नारियल के टुकड़े छोटे छोटे खाने के टाइम आप महसूस करेंगे, जब आप बाइट करेंगे तो आपको आएगा। टेक्सचर में इसका थोड़ा सा हार्ड, एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो जो दही वड़ा है वो भी एक तरीके का डेजर्ट ही है, ठंडा, एक बिल्कुल चिल्ड, हल्का सा मीठा, खाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नमकीन ट्राई करते हैं, ये वड़ा पाव वाला वड़ा ही होता है जिसे सांभर के साथ दिया जाता है खाने के लिए। ये सांभर तो नहीं है, ये एक उसल और सांभर का मिक्सचर लग रहा है। बिल्कुल एक जो ग्रेवी होती है ना, जो रिच सब्जी बनती है जो उसकी ग्रेवी होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है खाने में, जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आ रहा है। अब इसे डेफिनेटली सांभर तो नहीं कह सकते, ये इनका खुद का अलग बनाया हुआ सांभर है। अभी मुझे समझ में आ रहा है इसे क्यों इस तरीके का बनाया गया, क्योंकि अगर आप इसे पाव से खाएंगे ना तो इट विल गो विद दिस पाव रियली वेल, क्योंकि पाव बिल्कुल ब्लैंड होता है और ये जो चीज़ है ग्रेवी सुपर रिच, अमेजिंग। आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ मिनट एंड आई एम गोइंग टू ईट दिस, बहुत ही डिलीशियस है। नमकीन भी हो गया, अब खाते हैं काला सोना। यहाँ के खोआ की तारीफ मैंने काफ़ी सुनी है, अब देखते हैं खा के कि यहाँ का ये काला सोना कैसा है। इसे कहते हैं गुलाब जामुन, पूरा डिजॉल्व हो गया अच्छे तरीके से, क्या गजब बनाया है यार। जो खोआ है फ्रेश है, यू कैन टेल दैट, बिकॉज अगर वो फ्रेश नहीं होता है ना तो आप खाते ऐसे बासी गुलाब जामुन तो वो जल्दी मुंह में गलता नहीं है, टूटता नहीं है, बहुत ही उम्दा है। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ यहाँ पे आपको क्या क्या ट्राई करना चाहिए, काला जामुन, ये सांभर वड़ा, दिस इज़ डैम गुड, ये जो है काजू पैटीज, ये 3 चीज़ तो आपको ट्राई करनी चाहिए। आई एम ग्लैड कि मैंने यहाँ से शुरुआत करी है। अभी और भी क्या क्या चीज़ें खाने के लिए नगर में, अहमदनगर में, आगे देखते हैं। अंकल ने शुरू किया था इसे, काफ़ी साल हो गए हैं ना अंकल, 40-50 साल तो हो गए होंगे आराम से, 40 साल के ऊपर हो चुका है।
और जब इन्होंने शुरू किया था तो एक ठेला गाड़ी से शुरू किया था, और जैसे इन्होंने बताया कि पहले ये टेबल वगैरह साफ करते थे, फिर खुद से सीखे, कारीगर बने, और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने खुद का ठेला डाला उस पर, कुछ 17 साल के आसपास ठेला पर किया, उसकी फ़ोटो हमने जो अभी देखी, और आज ये इस तरीके से इतना बड़ा एक आउटलेट बन चुका है। सो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि उदुपी यहाँ का एक लैंडमार्क है, बहुत ही बड़ी पहचान है, आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और अंकल का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगा इनसे बात करके। इसका जो एड्रेस वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। दूसरी जगह जहाँ हम आए हैं उसका नाम है रसरंग मिसल। तो यहाँ पर जो मिसल मिलता है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, क्योंकि इसमें जो फरसान यूज़ होता है, यानी जो मिक्सचर इसमें यूज़ होता है, वो अलग होता है थोड़ा भी अलग से। अगर आप सिर्फ खाएंगे ना उसको तो भी बड़ा मज़ा आता है। उसे कुछ इस तरीके से परोसा जाता है, तरी में भी जो स्प्राउट्स होते हैं वो होते हैं, में ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर भी डाला जाता है, और फिर इसे दिया जाता है इस पाव के साथ, प्याज और धनिया के मिक्सचर के साथ। जो मैंने मिसल अभी तक पुणे में खाई है उसके मुकाबले काफ़ी अलग है। इट्स नॉट दैट मच ऑन द स्पाइसी एंड, फ्लेवर्स इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। पाव लीजिए, इसको अच्छे से सोखने दीजिए। ज़्यादातर मिसल बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, बट दिस इज़ नॉट ओवरली स्पाइस्ड। फ्लेवर्स इसमें अच्छे आ रहे हैं मसालों के। जो फरसान है उसमें भी हल्का सा अलग सा फ्लेवर है। इसे अगर आप प्याज वगैरह डाल के खाएंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, हमको लगभग 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा तब हमको जगह मिली। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये मिसल का स्पॉट अहमदनगर में कितना फेमस है। अगर आप किसी के घर जाएंगे और आपको इनवाइट करके बनाएंगे ना, तो इतना ही कम मसालों को रखेंगे, ठीक उसी तरीके से बनाया गया है। बनाने वाला एक एक जो शख्स है वो भी इतना पैशनेट है कि यू कैन सी इन द वीडियो हाउ दे आर प्रिपेयरिंग थिंग्स एंड हाउ दे आर सर्विंग टू ईच वन ऑफ द पर्सन हु इज विजिटिंग हियर। यहाँ का जो मिसल है उसका प्राइस भी बहुत ही किफ़ायती है। आप 63 रुपीज़ में मिसल के साथ एक पाव ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फरसान यानी वो मिक्सचर खाने का भी इच्छा हो रही है, तो आप 25 रुपये प्लेट में भी अलग से मंगवा कर खा सकते हैं। काफ़ी डिसेंट सा मेन्यू है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ पर मैं मिसल खाने गया था वहाँ पे कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि अहमदनगर में लस्सी के लिए दुर्गा सिंह लस्सी वाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनकी जो फ्लेवर्ड लस्सी होती है अलग अलग तरीके की, रेगुलर लस्सी के अलावा इनके पास पाइनएप्पल फ्लेवर्ड लस्सी मिलती है, मैंगो फ्लेवर्ड लस्सी मिलती है। तो वही ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर था, बहुत ही गर्मी भी बढ़ गई है अभी, पर ऐसा मौसम इस लस्सी को पीने के लिए बिल्कुल सही होता है। पाइनएप्पल आइसक्रीम है, पहली बार पाइनएप्पल लस्सी ट्राई करी है मैंने। ओरिजिनल पाइनएप्पल का पल्प यूज होता है, तो वही आपको एक टैंगी सा टेस्ट आएगा, लस्सी का जो होता है दही का जो रिचनेस वो आपको लगेगा, और आइसक्रीम की वजह से थोड़ा और ज़्यादा आपको इसमें फ्लेवर लगता है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा एक अच्छा टेक्सचर भी मिल जाएगा। आप इसे ट्राई करने ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं कई तरह के फ्लेवर मिलते हैं यहाँ पर, और इसका प्राइस भी काफ़ी किफ़ायती है। 30 रुपये का स्मॉल है और 50 में फुल आता है, सो इफ़ यू हैव एपेटाइट यू कैन गो फॉर डेफिनेटली द फुल वन। ये जो गन्ने का रस है वैसे तो आपको हर शहर में मिल जाएगा, पर महाराष्ट्र में ना थोड़ा इसका जो तरीका होता है निकालने का अलग होता है। महाराष्ट्र में एक कंसेप्ट है लाकड़ी घाणा, यानी मतलब लकड़ी जो होती है ना उसके थ्रू प्रेस करके निकाला जाता है तेल। यूजुअली वो प्रोसेस यूज़ होता है तेल निकालने के लिए, जो शेंगदाना होता है, मूंगफली होती है, उसका निकालने के लिए यूज़ होता है। पर यहाँ पर आप जिसे पीछे देख रहे हो ये चलता जनरेटर सही है, बट जो गन्ने का रस निकलता है ना, जो प्रेस होता है ना, वो लकड़ी के दो रोलर के बीच में होता है, जिसकी वजह से ना टेस्ट में फ़र्क आता है हल्का सा। और लकड़ी का हल्का सा एक आपको एसेंस लगेगा, और बाकी ये बहुत ही ज़्यादा प्योर लगता है पीने में। पी के देखते हैं, ये ऐसा है ना कि एक बार पीना चालू करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। जेबा के हम इसे भी चुरा लेते हैं तो बोल देंगे कम दिया था। यहाँ पे ज़्यादातर जो गाँव वाले होते हैं वो रोड के किनारे लगा के ऐसे रस निकाल कर बेचते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। तो दिन में काफ़ी गर्मी हो गई थी इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक लिया, और शाम के वक्त अब खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि गर्मी भी कम हो चुकी है। हम आए हैं आशा भेल पे, यहाँ की भेल बहुत ही ज़्यादा फेमस है नगर में। अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की रेटिंग भी
प्लस स्टार्स मिलेगी आपको, 4 से ज़्यादा ही है। और जैसे आप इस मार्केट एरिया से निकलेंगे ना, तो आपको जो खुशबू है वो अपने आप खींच के यहाँ पर लेके आ जाएगी। तो यहाँ पे कई तरह की भेल मिलती है, सूखी भेल, चीज़ भेल। मैं जो सूखी भेल है वो लेने वाला हूँ, देखने में बहुत ही लजीज नज़र आ रही है। बहुत ही बढ़िया लग रही है इसकी बेल, गीली बेल, मतलब इतनी भी गीली नहीं है कि जो मुर्रा इसमें यूज़ होता है पफ्ड राइस वो बिल्कुल पिचक जाए पानी एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को। बहुत ही अभी भी फ्लफ़ी है, क्रंची नज़र आ रही है। पहली चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि सीज़न के हिसाब से इन्होंने इसमें आम के पीसेस को डाल के रखा है, ऊपर अच्छी खासी मूँगफली की क्वान्टिटी है। अब इसे खा के देखते हैं। परफेक्टली बैलेंस्ड भेल अगर आप खाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस इन नगर। बिल्कुल क्रंची है, फ्लफ़ी है। इन्होंने जो चटनी यूज़ करी है वो भी एकदम एडिक्वेट क्वांटिटी यूज़ करी है, प्रॉपर है, जिसकी वजह से हल्का सा मिठास आएगा आपको। और जो पीनट्स है दोज आर रोस्टेड, उसकी वजह से भी एक अच्छा सा क्रंच आएगा खाने में। और ये दिख रही इतनी सारी है ना, बट आप कब आपके मुंह में घुल के गायब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये गीली भेल है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। इसके अलावा सूखी भेल है वो भी फेमस है, हम वो भी ट्राई करेंगे। दिस इज सूखी बेल। इसमें वो इमली की चटनी नहीं डालते हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहती है। ज़्यादातर ये कैसा रहता है कि फ्लफ़ी रहता है, क्रंची रहता है, तो फुला हुआ ज़्यादा दिखेगा वॉल्यूम में, बट होता खाने में कुछ नहीं है। इस तरीके से पेपर में दिया जाता है। आई एम ग्लैड दैट न्यूज़ पेपर इज़ नॉट बींग यूज। न्यूज़ पेपर यूज़ होता है ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि उसके इंक पेट में ना चला जाए। बहुत ही क्रंची, फ्लफ़ी और खाने में बिल्कुल एक सटल सा टेस्ट है। आपको ऐसा किसी चीज़ का भी लगेगा नहीं कि कोई चीज़ का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, तीखा ज़्यादा लग रहा है। परफेक्टली बैलेंस भेल इट इज़। आशा भेल नगर में अगर आप आते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई करी थी ना, ये मेरा सेकेंड फेवरेट है। फर्स्ट वन वॉज दी उदुपी। छोटा सा शहर है बट स्वाद के मामले में ना काफ़ी उमदा उमदा चीज़ें हैं। इसे फिनिश करते हैं और चलते हैं दूसरी जगह। गर्मी का मौसम है, ठंडी चीज़ें खाने और पीने में मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी हम हैं द्वारका सिंह लस्सी वाला के, ये जो आशा भेल है उसके जस्ट अपोजिट में ही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लस्सी का अलग अलग फ्लेवर मिलता है, बट मैं यहाँ पे इनके जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं उसे ऑर्डर किया हूँ। पहला है लस्सी, ये है पिस्ता फ्लेवर्ड लस्सी। इसमें ऊपर से वो पिस्ता आइसक्रीम डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्प्रिंकल करके रखते हैं। और ये है, ये इनका फालूदा, स्पेशल फालूदा, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलता है। इसमें मैंगो फ्लेवर रबड़ी दिख रही है, उसके ऊपर इन्होंने आइसक्रीम डाल के और ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल किया और ऊपर से रोज सिरप डाला है। अब इसे खा के देखते हैं। देखने में तो ये लगेगा कि मैंगो फ्लेवर्ड रबड़ी है, बट एक्चुअली मैंगो फ्लेवर्ड रबड़ी तो नहीं है। इसमें वर्मा सेली जो होती है नूडल्स वो यूज़ करी है इन्होंने, जो गुलकंद होता है उसके फ्लेवर वाली आइसक्रीम इन्होंने ऊपर से डाली है। उससे बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, मिठास भी प्रॉपरली मेंटेन करी है, तो इट्स नॉट जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा आपको, खाने में अच्छा लगेगा। अब ट्राई करते हैं लस्सी। आइसक्रीम तो पूरी गल गई है। ये पिस्ता फ्लेवर लस्सी है, पर लस्सी का जो फ्लेवर होता है ना, हल्का सा सावरनेस वो अभी भी बरकरार आ रहा है। आइसक्रीम की वजह से एकदम चिल्ड कोल्ड हो गई है, हल्का सा पिस्ता का पंच देगा आपको। दोनों चीज़ें किफ़ायती है, ज़्यादा प्राइस नहीं है इनका। जो रबड़ी फालूदा है वो 75 रुपये का है और ये जो लस्सी है 50 रुपये की है। जब भी आप इस एरिया में आते हैं तो आशा भेल में खाने के बाद यहाँ पर ज़रूर खा सकते हैं। तो अभी मैं मिलिट्री मस्जिद के पास में खड़ा हूँ, जो अंदर वाले मार्केट एरिया में लग रहा था देख के ज़्यादा कुछ होगा नहीं यहाँ पर, पर जैसे ही हम बाहर आए यहाँ का तो पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और कई सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जैसे गुलशन है और कुरैशी है। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीट फूड के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पर कबाब वगैरह मिल रहा है। मैं नहीं खाने वाला क्योंकि मैंने रमज़ान में बहुत खाया है। आप रमज़ान की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं गुलशन में, कुछ मेन कोर्स का जो चीज़ें ऑर्डर करते हैं।
डिनर करने के लिए हम आए हैं होटल गुलशन में, और ये रेस्टोरेंट जो मैनेज करते हैं वो लोग मुंबई से हैं। पूरा जो रेस्टोरेंट का सेटअप है बहुत ही बढ़िया है, फैमिली के बैठने के लिए बिल्कुल शांत सी कोजी सी प्लेस है अंडरग्राउंड में, तो जो एम्बियंस है इट्स वेरी टॉप नॉच, इट्स गुड। अभी हम यहाँ पे क्या क्या खा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले लेमन चिकन लिया है, इसमें जो चिकन का मसाला रहता है उसमें लेमन जेस्ट वगैरह यूज़ करके मैरिनेट करते हैं, दही वगैरह यूज़ करते हैं। चिकन के मसाले में ना मलाई का जैसे बहुत ज़्यादा टेक्सचर आएगा आपको, जो दही यूज़ करते हैं पानी निकाल के उसकी वजह से काफ़ी रिच लग रहा है खाने में। ये चिकन गल भी सही से गया है तो खाने में बढ़िया लग रहा है। चिकन लजीज को ट्राई करते हैं बटर नान से। जो ग्रेवी है ना, प्याज और गार्लिक का जोर उसमें ज़्यादा लगेगा आपको, वही खाने पे भी पता चल रहा है, और स्मोकी भी है जिस तरीके से उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है ना, एकदम ज़्यादा फ्राई करते हैं अच्छे से, इसकी वजह से एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, नान के साथ बहुत ही परफेक्टली जा रहा है। तो जहाँ पर हमने खाया गुलशन रेस्टोरेंट के जस्ट अपोजिट में भी होटल कुरैशी करके है, अगर आप मुगलई जो खाना है उसका मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ मिलिट्री मस्जिद के पास ये दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, वहाँ पर भी काफ़ी आपको अच्छे नॉनवेज आइटम मिल जाएंगे, और अगर आप मुंबई का जो लज्जत है जो स्वाद है आप यहाँ अहमदनगर में खाना चाहते हैं तो आप यहाँ गुलशन में भी आ सकते हैं। तो ये चिकन लेग पीस है जो मैंने यहाँ से ली है, इनके पास फिश वगैरह भी मिलती है ग्रिल में, बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकन की बोनलेस स्ट्रिप्स हैं, चिकन के पहाड़ी कबाब हैं, पर मैंने लेग पीस ली है, एक ही पीस ली है क्योंकि पेट काफ़ी भरा हुआ है, खा के देखते हैं। कोयले पे रोस्ट होने की वजह से बहुत ही सौंदा सौंदा स्वाद आ रहा है और अच्छी तरीके से गल गई है, मैं उनको बोलते रहा जल्दी दे दो बट उन्होंने पूरा टाइम लिया अच्छे से बनाने के बाद ही दिया है। इसके ऊपर जो चार हुआ है ना कोयले की वजह से बहुत सही लग रहा है, मैंने इसके साथ देते हैं, इसमें मसाला बहुत माइल्ड होता है, ज़्यादा कुछ गर्म मसाला वगैरह इन्होंने नहीं डाला है, बट जो मेन है फ्लेवर कोयले का है। अगर आप कभी भी आते हैं तो प्रोफेसर कॉलोनी के पास ही इनकी गाड़ी लगती है, आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। एक चिकन लेग पीस 60 रुपये की पड़ी मुझे, ऐसे इनकी मेनू बहुत ही वर्सेटाइल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसमें रेट सारे देख सकते हैं। अभी मैं प्रोफेसर्स कॉलोनी चौक के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर एक चौपाटी जैसा लगता है जस्ट चौराहे के आसपास ही, तो वहाँ पे वैसे बहुत तेज़ी से गाना वगैरह कुछ तो बज रहा है प्रोग्राम में शायद, तो मैं उधर बोल तो नहीं पाऊंगा बट मैं आपको एक बार पूरा एरिया दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या खाने के लिए। ये एरिया बिल्कुल किसी आम चौपाटी की तरह है जहाँ पर आपको मोमोज चाइनीज़ डोसा जैसे चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी कॉमनली मिलने वाले आइटम है इसलिए मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ अगर आप प्रोफेसर कॉलोनी के पास आते हैं तो आप यहाँ पर आकर ज़रूर घूम सकते हैं। रात में आराम करने के बाद अगले दिन मैं यहाँ पर मार्केट एरिया घूमने निकला और वहाँ पर मुझे दिखाया गया यहाँ का मंदिर जो अहमदनगर शहर का कुल मंदिर भी कहा जाता है। अहमदनगर में मंदिर मस्जिद और मज़ार का एक अनोखा संगम है जिसे देखकर काफ़ी खुशी होती है। अब चलते हैं हम दूसरे स्पॉट की ओर नाश्ता करने के लिए। अभी नाश्ता करने के लिए हम आए हैं साई रतन पूरी भाजी सेंटर। पूरी भाजी इज़ काइंड ऑफ अ कम्फर्ट फूड विच यू कैन ईट एनी टाइम इन द डे। अभी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही गर्मा गर्म बिल्कुल ताज़ी पूड़ी तली हुई है, 5 पूड़ियाँ हैं, उसे ये देते हैं भाजी के साथ, आलू और जो वो होता है स्प्राउट्स होता है जो महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है उसका ये ग्रेवी है। तरी एक प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगी ऊपर, जैसे नॉनवेज की ग्रेवीज में होती है ना एकदम प्रॉपर तेल का ऊपर लेयर एक नज़र आएगी आपको। उसको ये देते हैं प्याज और नींबू के साथ, और उसके साथ आप अचार भी जितना चाहें खा सकते हैं। तो जो सुबह के समय अगर आप ये नाश्ता करेंगे ना मज़ा ही आ जाएगा खाने में। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फूड विच यू कैन ईट एनी टाइम इन द डे। इतनी टेस्टी है इनकी ग्रेवी और पूरी उसे अच्छे इतने अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर रही है, खाने में मज़ा आ जा रहा है। मसालेदार एकदम चटक है, हल्की तीखी भी है ग्रेवी। जो स्प्राउट्स है ना वो एक अच्छा टेक्सचर देता है खाने में प्याज वगैरह के साथ, तो अब मेरे ख्याल से अभी 2-4 प्लेट खा जाएंगे। यहाँ पर भैया ने मुझे पापड़ भी दिया था जो मैं पूरा सफाचट कर चुका हूँ, और इन्होंने राइस भी दिया हुआ है। इस राइस को आप देखिए, जो छत्तीसगढ़ में बिरयानी मिलती है ना छोटे राइस वाली रहती है, चिमटी राइस वाली, बिल्कुल वैसा ही है। पुदीना वगैरह इन्होंने डाला जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा सा एक फ्रेशनेस आई है। चावल के साथ इसका जो मसालेदार पूरा जो एक एसेंस है ग्रेवी का वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में। पूरी से तो अच्छी लगती है, राइस से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो दुकान है आपको नज़र भी नहीं आएगी, आप यहाँ से पास हो जाएंगे, इतनी छोटी सी ये शॉप है, बट आप यकीन करिए यहाँ का स्वाद इतना अच्छा है ना कि बड़े बड़े होटलों में भी उसको टक्कर देने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर यहाँ पर आते तो इस दुकान पर ज़रूर आइए। गूगल मैप्स में एडेड नहीं था, मैंने ऐड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया। दुकानों में नाम नहीं होता, स्वाद वहीं छुपा होता है। बिना नाम की ये दुकान है, देखिए एक छोटा सा ठेला है।
तो ये है पापड़ भाजी। एक्चुअली ये जो दाल पकवान का पकवान होता है ना, ये बेस उसका वही है, और इसके ऊपर जो ये डाले हैं दाल, वैसे दाल के साथ खाया जाता है चने की दाल से, बट ये जो है ये थोड़ा अलग है। एक तरीके की दाल, आलू और धनिया, इसका कुछ ऐसा मिक्स टाइप का लग रहा है। जो दाल पकवान के साथ दाल मिलती है उसके ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ये। इसके ऊपर ये थोड़ी सी इमली की चटनी डालते हैं, मिर्चा का जो ठेचा जैसा रहता है उसे मिलाते हैं, और फिर प्याज कच्चा डाल के देते हैं खाने के लिए कुछ इस तरीके से। अब इसे खा कर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पहले मैं ऐसे को ऐसे ही ट्राई करना चाहता हूँ। जो समोसा होता है ना, समोसा का जो लेयरिंग करते हैं जिसमें हम जो बेस होता है उसका आटे का, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। खस्ता इसे कहते हैं, खस्ता जैसा है। दिस इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जैसे बिल्कुल एक अलग ही फ्लेवर दे रहा है। बेस का जो इसका क्रंच आता है पापड़ का, जो इसका जो बेस है ना ये, प्याज की वजह से हल्का सा फ्रेशनेस और क्रंच आता है, और मिर्च की वजह से तीखेपन का पंच। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे इसके अलावा समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें भी मिलती है। लगातार लोग आ रहे हैं, खाते जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी है। आप अगर इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। मैं इसका जो लोकेशन मिसिंग था, आई हैव एडेड इट ऑन गूगल मैप्स। वैसे लोकल तो सब इसे जानते हैं, बट गूगल मैप्स में डाल दिया तो आप नेविगेट करके आ सकते हैं। मार्केट एरिया के बिल्कुल बीचों बीच में। पांडेला के बारे में आपने तो ज़रूर सुना होगा। पांडेला हर नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाता है, बट अहमदनगर में मैंने पान पार्लर का कंसेप्ट देखा। बहुत ही उमदा किस्म के, नई किस्म के वैरायटी के पान यहाँ पर मिलते हैं। अभी मैंने एक ऐसा ही पान ऑर्डर किया है। ये रामप्यारी पान है, यहाँ का बहुत मोस्ट सेलिंग आइटम है, और ये कह रहे थे कि ये मुँह में मेल्ट हो जाएगा, तो आगे देखते हैं। चबाना नहीं है इसको। फील्स लाइक आइसक्रीम, लिटरली इट्स मेल्टिंग इनसाइड द माउथ। इसका टेस्ट अलग है। जो छोटे छोटे पान के पत्ते होते हैं ना, उसको एक के ऊपर एक करके लेयरिंग की जाती है, उससे बनता है। इसलिए जब आप इसे खाएंगे ना धीरे धीरे, तो ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट होते जाता है, गलते जाता है। काफ़ी अलग है, अच्छा लगा। तो ये है स्पेशल पान, काफ़ी बड़े साइज़ का है, ऊपर आधी चेरी लगा के दी गई है। खा के देखते हैं, आधा ही खाता हूँ बिकॉज आधा ज़ेबा खाएगी। आधा ज़ेबा नहीं खाइए, मैं खाऊँगा। पान ऐसे ही खाते हैं। बहुत ही बढ़िया पान था ये। इसमें ना तो सुपारी थी, ना ही कुछ ऐसा जो आपको एकदम अजीब सा लगेगा खाने में। कत्थर चूना हल्का सा रहता है, उतना नहीं रहेगा जो आपके मुंह को काटेगा। अच्छा लगा खाने में। तो गाइस ये था एपिसोड अहमदनगर स्ट्रीट फूड सीरीज़ का, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ की लोगों की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ का जो खाना है, सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा गुना अच्छा था। मैं यहाँ फिर दोबारा ज़रूर आऊँगा और बाकी जगह भी एक्सप्लोर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कहाँ कहाँ हमें अगली बार यहाँ जाना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।